हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके टेचनो फ्रेंड्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक म्यूजिक बॉक्स बनाना तो सीखेंगे, दोस्तों ठीक हमने है एक फ्रेंड्स। म्यूजिक बॉक्स के साइज़ का कार्डबोर्ड काट लिया। ओके फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ का काट सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हमने दो होल कर रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो आगे पीछे के, ये ऊपर नीचे के और ये दोनों साइड के। तो फ्रेंड्स, जिसमें हमने स्पीकर की कटिंग कर रखी है और जो हमारा नीचे वाला फ्रेंड्स उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से हमें फेविकोल की मदद से फ्रेंड्स इसे चिपका लेना। ओके फ्रेंड्स, तो इसे यहाँ पर चिपका लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हमने फेविकोल की मदद से इसको कुछ इस प्रकार से हमने चिपका दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दो स्पीकर चिपका लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे आगे से भी लगा सकते हैं या फिर पीछे से भी लगा सकते हैं, वो फ्रेंड्स आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, स्पीकर को चिपका लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, हमने फेविकोल के हेल्प से ये दो स्पीकर को चिपका लिया। ओके फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स ग्लूगन का हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर है। तो हमने फ्रेंड्स इसको फेविकोल से चिपका लिया है। फ्रेंड्स, हमने एक बैटरी ले ली, ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल बैटरी ले लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर सोल्डरिंग करने के लिए इसके पॉइंटों को थोड़ा सा खुरेच दीजिए फ्रेंड्स किसी भी नुकीली चीज़ से, उसके बाद इसके ऊपर आप सोल्डरिंग आसानी से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे चिपका देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक ब्लूटूथ की किट लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ की हमने किट ले लेनी है। और फ्रेंड्स, जितने भी इसके स्विच दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इससे हमें दो दो वायर कनेक्ट करके बाहर निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस ब्लूटूथ किट को कंट्रोल करने के लिए हमने फ्रेंड्स कुछ स्विच ले रखे हैं। ये जो स्विच होते हैं, इनके टू पिन का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर चार पिन होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ के पिन शॉर्ट होते हैं आपस में और दूसरी तरफ के वैसे ही शॉर्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सामने सामने पिन हमें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें इनका यूज़ लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ के, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ के, तो इसके जितने भी लैग है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके ऊपर हमें इन सभी लैगों को एक साथ सोल्डरिंग कर देनी है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से इतना ट्रैक तो सोल्डरिंग है, यहाँ पे बस एक पॉइंट हमने सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें से हमें वो वायर निकालने, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ वायर के टुकड़े हम कट कर लेते हैं, फिर आपको आगे तो फ्रेंड्स, इस स्विच के जितने पॉइंट थे जिसे हमने शॉर्ट कर रखा था फ्रेंड्स आपस में, तो उसमें हमने एक वायर जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम माइनस के, जो हमारी किट होगी फ्रेंड्स, इसके माइनस से हम कनेक्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बाकी जितने भी पॉइंट है तो उसमें एक एक पॉइंट पे एक एक वायर हमने सोल्डरिंग कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, उस पर आप देख कर समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये तीन स्विच के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं फ्रेंड्स, दो स्विच और हमने ले रखा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स करना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ के दो पॉइंट शॉर्ट होते हैं और ये भी दो पॉइंट शॉर्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये दो पॉइंट है तो इनमें से एक स्विच का पॉइंट और दूसरे स्विच का पॉइंट, इन्हें हमें शॉर्ट कर देना है फ्रेंड्स, जो हमारा ग्राउंड बन जाएगा। बाकी यहाँ से दो पॉइंट हमें निकाल लेने। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, हमने एक एक पॉइंट से एक एक वायर निकाल लिया फ्रेंड्स, और जो दो पॉइंट बचे थे फ्रेंड्स उस पर एक वायर हमने शॉर्ट कर दिया है, जो हमारा माइनस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो ग्राउंड है हम इसी वे से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्विच के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऊपर का है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने कटिंग कर लिया है स्विच के बराबर का। ओके फ्रेंड्स, तो इसको फ्रेंड्स इसके अंदर हमें फिट कर लेना है इस प्रकार से कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसे हम फेविकोल से या फिर ग्लूगन की हेल्प से चिपका सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चिपका लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, हमने ग्लूगन की हेल्प से इन स्विचों को अच्छे से चिपका लिया। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग, कुल पांच स्विच लगा रखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर से कुल छह वायर निकलेंगे, क्योंकि पांच हो जाएंगे इनके पॉइंट के और एक हो जाएगा फ्रेंड्स इनसे जो हम ग्राउंड निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इनके सभी एक एक पिन एक वायर से शॉर्ट होगी और उससे एक वायर निकालेंगे वो हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी जो एक एक पॉइंट बचेंगे उसे एक एक वायर निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये म्यूजिक किट है हमारी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे बटन लगे फ्रेंड्स, तो इनके एक एक पॉइंट पर हमें सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे स्विच हैं, ये जो स्विच हैं, इनके एक एक पॉइंट के जो हमने वायर निकाल रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको कहाँ सोल्डरिंग करना है वो ध्यान देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इनके मल्टीमीटर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीके से बताता हूँ मैं आपको, मल्टीमीटर ले लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक वायर लगा लेना है आपको इसके इस पॉइंट पर, ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर लगा देना है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी माइनस है। और फ्रेंड्स, जब हम माइनस पर रखेंगे तो बीप की साउंड आपको मिलेगी, जैसे अभी मिल लिए, ऐसे एक एक पॉइंट पर रख के देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं बीप मिल लिया, और जहाँ हमें बीप नहीं मिले तो फ्रेंड्स वहीं हमें इसके कनेक्शन कर देने हैं। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोई बीप देखने को नहीं मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट एक होते हैं
और इधर के दोनों पॉइंट एक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको बीप देखने को मिलेगी और इधर भी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पॉइंट पर हमें बीप देखने को नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राउंड का वायर है फ्रेंड्स वो तो ग्राउंड कर देना है, और बाकी जो एक वायर है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी एक स्विच का वायर हमें इस पॉइंट पे जोड़ देना है जहाँ पे हमें बीप देखने को नहीं मिल रहा। ओके फ्रेंड्स, ऐसी और भी स्विच देख लेते हैं, जैसे ये वाला स्विच है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बीप देखने को नहीं मिली लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रही, तो फ्रेंड्स इस पर कनेक्शन ना करके हमें इस वाले पॉइंट पर कनेक्शन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें बीप देखने को नहीं मिल रही। इसके ऐसे ही कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा वायर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्रे कलर का वायर है, ये हमारा ग्राउंड है, तो इसे हमने बॉडी से कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी जितने पॉइंट थे फ्रेंड्स, सबके एक एक पॉइंट पर हमने कनेक्शन कर रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स स्विच के कनेक्शन ओके हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, स्पीकर एंड बैटरी के कनेक्शन। तो फ्रेंड्स स्पीकर बैटरी कनेक्शन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर लिखे होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर पहले से ही मार्किंग होता है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, GND यानी ग्राउंड। तो फ्रेंड्स बैटरी का माइनस आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो यहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बगल वाला है बैटरी प्लस, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी लिखा हुआ है बैटरी प्लस, फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला दूसरा पॉइंट जो है बैटरी कनेक्शन, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि किट में अलग तरीके से दिया फ्रेंड्स, मार्किंग होती है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स SP लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी SP लिखा है, यहाँ पर भी SP और यहाँ पर भी SP, लेकिन यहाँ पर प्लस SP माइनस है, SP प्लस है, SP माइनस है, प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चार पॉइंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे एक चैनल का हो गया फ्रेंड्स, यानी एक स्पीकर इस पर बजेगा फ्रेंड्स, और एक स्पीकर इन दो पॉइंटों पर, ठीक है। तो दोस्तों इसे कनेक्शन कर देते हैं, फिर आपको देख सकते हैं आप लोग, हमने माइनस के इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पॉजिटिव सोल्डरिंग कर दी, और यहाँ पर दोनों स्पीकर की सोल्डरिंग कर दी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इस सर्किट को इसको यहाँ पर चिपका दें फ्रेंड्स। यदि आपने इस चार्जिंग जैक की वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये जो LED का माइनस है फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने माइनस वायर सोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स, और जो इसका प्लस है उसके ऊपर हमने 1K का रजिस्टर सोल्डिंग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि हमारी बैटरी फ्रेंड्स, हमारी बैटरी ज़्यादा दिनों तक चले, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी बैटरी ख़राब ना हो, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, इस डायोड को कुछ इस प्रकार से हमने कर लिया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो यहाँ से हमें फ्रेंड्स नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमें कनेक्शन कर देना है सिल्वर वाला बैंड का, ठीक है फ्रेंड्स, सिल्वर वाले बैंड कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव दे देना है बैटरी को डायरेक्ट, और इसका जो फ्रेंड्स या जो ब्लैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स वो दे देना हमें इसके बैटरी के माइनस पे। तो फ्रेंड्स ये कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं इसके अंदर आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा चार्जिंग जैक, तो फ्रेंड्स हमारा चार्जिंग पिन, इसके अंदर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने कनेक्ट कर दिया है, ये जो हमारी LED है वो ग्लो हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव वायर है इसका, तो ये हमने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, एंड नेगेटिव वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हैं, हमें 4.2 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये हमारे वोल्टेज प्रॉपर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वोल्टेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो प्लस का वायर है हमारी बैटरी का, जो प्लस है फ्रेंड्स उसके ऊपर हमें कनेक्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कनेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा चिपका कर फिर आपको आगे दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो साउंड बॉक्स है फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं, हमारा पावर बटन इसे दबा कर रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक हमने डिवाइस ले लिया है, अपना फ़ोन ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसे कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नीचे आ चुका है, इस पर हमने क्लिक कर दिया और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कोई साउंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब साउंड को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, सॉन्ग सुन सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो हमारा पॉजिटिव वाले से हम प्रेस करके रखेंगे बटन को, तो ये जो हमारा वॉल्यूम है वो अप होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये फुल हो चुका है। अब फ्रेंड्स फोन से भी फुल, तो फ्रेंड्स अभी फोन से कम है, ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही फुल कर देते हैं, फिर देखते हैं इसकी आवाज़ कितनी तेज होती है। Yeah.
तो फ्रेंड्स कैसा लगा इसका साउंड? और फ्रेंड्स कुछ कागज़ के टुकड़े भी इसके ऊपर डाल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पहले साउंड को कम कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग। अब फ्रेंड धीरे धीरे हम साउंड को बढ़ाते चले आते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो फ्रेंड्स कैसा लगा साउंड? तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेने। थैंक यू फ्रेंड्स।